भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है 50 रनों से बांग्लादेश को हरा करके। क्या लगता है भारत के सामने कौन सी टीम होगी सेमीफाइनल खेलने के लिए? इसमें रोहित शर्मा ने पहले खेलते हुए 11 में 23 बनाए और विराट कोहली ने 28 में 37, ऋषभ पंत ने 24 में 36, शिवम दुबे ने 24 में 34 और हार्दिक पांड्या ने 27 में 50 शानदार अर्धशतक आया। इंडिया ने 196 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम मात्र 146 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर, जिसमें जसप्रीत बुमराह और हर्षदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। भारत को एक और बड़ा सुधार करना चाहिए, रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत को ओपनिंग करानी चाहिए और कभी मौका मिले तो हम गेंदबाजी करानी चाहिए। और पाकिस्तानी अगुमों पर बहुत बड़ा तमाचा लग गया है कि भारत सेमीफाइनल में पहुँच चुका है और इस टाइम उनको नींद नहीं आ रही है। पर इधर ऑस्ट्रेलिया पहुँच से मैच है, उसे जीते या न जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीतना जरूरी है। कौन सी टीम होगी भारत के सामने सेमीफाइनल खेलने वाली? मेरे हिसाब से दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड में से एक टीम होगी, क्योंकि भारत का इस ग्रुप टू की एक टीम से भिड़ेगा मैच।